हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो मॉर्निंग का वक्त है और ये लोग बना रहे हैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह आज किचन में। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद बोलना बनता है। कल हमारी एनिवर्सरी थी, वेडिंग एनिवर्सरी। सबके बहुत अच्छे विशेज़ आए इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी। तो मैं क्या सोच रही हूँ, अब मेरे व्लॉग्स हो गए हैं लेट गाइस। मैं बार बार आपको बता रही हूँ मेरी तबीयत की वजह से, क्योंकि बीच में मैं अल्टरनेट डे डाल रही थी, ज़्यादा वर्कलोड मैं उठा नहीं पा रही थी। तो अब मैंने ऐसा सोचा है कि जो मेरे क्या बोलते हैं जो मेरे रीसेंट वीडियोस हैं, जैसे एनिवर्सरी का हुआ, दिवाली की शॉपिंग हमने अभी की है, वो रीसेंट वीडियोज़ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, और जो मेरे अष्टमी नवमी के व्लॉग आने बाकी हैं वो मैं नए चैनल पर डाल देती हूँ। इस तरह से मैं अब व्लॉग पूरे कर दूंगी। तो आपने देख लिया टाइमलेस पे पापा मैं बैठ के यहाँ खड़े रह के यहाँ किचन में कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो ये बन गया है पोहा, पापा ने बनाया आज मम्मा के लिए नाश्ते में क्योंकि मम्मा नाराज है इनसे। और ये दी चाय जो मैंने बनाई, ऑलमोस्ट उबलने वाली है ये, फिर मैं इसे छानूंगी। और ये चाय, ये दूध गर्म होने रखा है हमने, ये बस हो ही गया पोहा। बहुत टेस्टी टेस्टी बनाते हैं पापा ना, पापा के हाथ की कांदी पोहे बहुत टेस्टी होते हैं। ऊपर से अगर होगा ना घर में तो कोपरा डाल के मैं ऊपर से सीजनिंग करके आपको दिखाऊंगी पूरा। तो ये रहा हमारा नाश्ता, कांदी पोहे विद कोपरा। एक कोपरा मैंने अभी छीना है बैठ के, छीना यानी घिसा है। हाँ मैं अभी हिंदी को जाती मिक्स हो जाती है सॉरी। और ये टिपिकल महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट है। मम्मी ये रही यहाँ साइड पे, दिखाऊंगी नहीं मैं उनको सीजन नाइट ड्रेस। एंड ये रहा कप मम्मी का, मैं चाय नहीं लेने वाली। और पापा का यहाँ पे नाश्ता इसलिए नहीं है क्योंकि पापा काफी लेट नहाने गए, पोहा बना के फिर वो नहाने गए। लेकिन ये देखने में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत सा लग रहा है, अगर हम लाइट चला के दिखाएं तो देखो गाइस। ओ बहुत सही लग रहा है, और बहुत खिले खिले बनाए विवेक। हाँ, मान गए विवेक, तुम्हें मान गए। वाओ, आज ब्रेकफास्ट स्पॉन्सर्ड बाय विवेक जी एंड चाय बाय प्रिशा। चाय मैंने बनाई है और ये मम्मा की चाय है। थैंक यू बेबी। और अभी मैं और मम्मा स्वीट स्वीट बातें करते करते, गॉसिप करते करते चाय नाश्ता करेंगे। गॉसिप पार्टनर्स है टी टाइम। यस आफ्टरनून गाइज, अभी दोपहर का हो गया है टाइम। दोपहर यानी कि आफ्टरनून का टाइम है, ये 3 बजे हुए हैं। और मैं जस्ट अभी मेरा शैम्पू करके आई हूँ, मैंने आज सुबह में ही तेल डाला था और अभी वॉश कर दिया। कई बार मैं रात को जब भूल जाती हूँ तो मैं इसी तरह से करती हूँ, सुबह में लगा लेती हूँ और 1-2 घंटे के बाद धो देती हूँ। और आज मेरा कोई आराम करने का भी मूड नहीं है, एडिटिंग का भी मूड नहीं है, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में मेरी एडिटिंग डन कर दी है। तो मेरा मूड हो रहा है, कौन सी सीरीज है विवेक? वो क्रिमिनल जस्टिस जो है ना, हॉट स्टार पे जिन लोग ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ उन्हें पता होगा। तो वो जो सीरीज है वो बहुत ही अच्छी है, और उसमें हम लोग आई थिंक 3 सीरीज देख चुके हैं और चौथी जिसके एपिसोड धीरे धीरे आ रहे हैं, तो वो तो हम फ्राइडे टू फ्राइडे देखते हैं। लेकिन अभी अभी आई थिंक परसों तरसों एक सीरीज जो है वो लॉन्च हुई है, आई है मतलब रिलीज हुई है, वो एक साथ 8 एपिसोड है। तो मैं वो देखने के लिए बैठ रही हूँ आज। सब साफ सुथरा पड़ा हुआ है घर पूरा। मेरे स्पेक्स कहाँ गए रे? अच्छा तो हाँ, मैं आपको एक चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली थी, चलो मैं आपको बता देती हूँ। अभी हम लोगों ने पीछे पता है भंडारा किया था, मैंने आपको उसके बारे में बताया भी था, और मैंने ये भी कहा था कि हम वहाँ जाके दिखाएंगे। हाँ, हमारी लेंसकार्ट की मेंबरशिप खत्म हो गई है साल, रिन्यू करा। मैं रिन्यू करा लूंगी। अच्छा लेगा ये लोग मेरे से लेंस कार्ड। पापा नया लेंस ले रहे हैं अभी, स्पेक्स सॉरी। मेरे से ना लेंस कार्ड की एक ही बताओ गाइस, मेरे नंबर इतने ज्यादा है, मेरे एक ही चश्मा है बस, ये खाली है, टूट गया ना। मैं कैसी दिख रही हूँ? 1 मिनट ना, कुछ अजीब सी दिख रही हूँ। देखो गाइस देखो, अजीब था, दिखाना फिर बाद में। हाँ दिखाऊंगी। लेंस कार्ड की मेंबरशिप मेरे से रिन्यू करा करा के ये लोग अपने अपने चश्मे लेते हैं हर साल। तो मैंने भी अपने इस बार, मतलब लास्ट ईयर जब मैंने लिए थे मेरे बर्थडे के टाइम पे, तो 2 से 3 मैंने एक साथ ले लिए थे, तो वो मैं बदल बदल के तो नहीं लगाती, ये मेरे डेली पर्पस के यही वाले हैं। और हाँ, मैं आपको बता रही थी पीछे हम लोगों ने भंडारा किया था, मैंने आपको बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि हम जाके दिखाएंगे, लेकिन फिर विवेक ने मुझे मना कर दिया था, बोले दिखाना नहीं है, आपने बता दिया, बस जिसको इंस्पायर होना होगा, इन्फ्लुएंस होना होगा, वो उसी बात से हो जाएगा। जो कि मेरी भावना बहुत अच्छी थी, फीलिंग बहुत अच्छी थी मेरी कि भाई जो भी इंस्पायर हो सके। इनफैक्ट विवेक ने भी इस चीज को सपोर्ट किया कि चलो अच्छा है तुमने कभी तो बताया, पीपल गेट इंस्पायर्ड एंड पीपल गेट इन्फ्लुएंस समटाइम्स, और अच्छी बात है ना अगर कोई इन्फ्लुएंस होकर ऐसा काम करे। आप क्या कहोगे विवेक इस बारे में? मैंने बताया था भंडारे के बारे में, वो करना चाहिए। अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो आपको 5 रुपए चैरिटी। और इसमें हमारा सिर्फ यही था शेयर करने का, कोई ये नहीं था अपनी बड़ाई दिखाना। बड़ाई माननी थी, अगर बड़ाई माननी होती तो मैं आपको शूट करके दिखा था पूरा। हाँ, शूट नहीं, नेक्स्ट डे इन्होंने मना कर दिया। जब ये जा रहे थे ना वहाँ, सुबह सुबह चले गए थे सब देने के लिए, दही वगैरह यही पहुंचा के आए थे सारी चीजें। खमंड था वहाँ पे और खिचड़ी कड़ी थी, तो यही सब सामान दे के आए थे। लेकिन इन्होंने ना मेरी ड्रेस चुरा ली है।
ये इसकी ड्रेस है जो मैंने पहन रखी है, देखिए ये हाफ वाली मेरी और फुल वाली मम्मा की है। हाँ। नहीं चुरा ली मेरी। तो तभी हम लोग जो देखे गए थे ना, वहाँ पे देखे आए थे ना, तो इन्होंने मना कर दिया था शूट करने के लिए, और बस वहाँ पे हो गया था भंडारा। मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गई थी ना, वहाँ पे भंडारा हो गया था, बहुत सारे लोग आए थे खाना खाने, इतना मुझे विवेक ने बताया जब शाम को पूछ के आए मंदिर में कि भाई भंडारा वगैरह सब अच्छे से हुआ। और ये बताना था आपको कि हमने जो है एक और भी रीज़न था कि जिस वजह से ये हमने सोचा कि भाई चलो ये कर लेते हैं, करना तो था ही हमें वैसे भी, पर एक खास रीज़न उस टाइम पे हुआ तो जिस वजह से हमारे मन में बात आ गई थी। तो इसमें ऐसा हुआ था कि मेरा जो नया चैनल है हमारा, उसकी पहली सैलरी आ गई है तो उस सैलरी के पैसों में से ये मैंने किया था। तो आप लोग की वजह से ये सब पॉसिबल है, एंड आप लोग हमें प्यार देते हो इतना, बहुत हम लोग ऑब्लाइज थे आप लोगों के प्यार से, और बस ऐसे ही बनाए रखना अपना प्यार। हाँ तो, मैं अभी कैमरा पे नहीं आ रही, मैं सुंदर बन के आऊंगी ना के तो ये मुझे आपको बताना जरूरी था कि मेरे, अच्छा वो कितनी सैलरी आई है वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगी, ठीक है, नए चैनल पे डालूंगी। तो जो मेरा नया चैनल है उस पे मैंने वर्क तो बहुत ही कम किया है, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से, क्योंकि जो ये मेरा मेन चैनल है इसको ग्रो करने में मुझे बहुत टाइम लगा था, आई थिंक अप्रोक्सीमेट 1.5 साल लग गया था प्रिशा, 1.5 साल तक, 1.5 साल के बाद सैलरी आनी शुरू हुई थी। 2018 में मैंने चैनल शुरू किया था और मेरी जो फर्स्ट सैलरी आई थी 2019 मार्च में आई थी, और सोचो आप कितनी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन चूंकि अब एक मतलब इस चैनल को इतना नेम फेम मिल गया इंडियन यूट्यूबर रुचि को, तो उसकी वजह से वो चैनल और आप लोगों का प्यार ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया, वॉच किया, तो ही वॉच टाइम पूरा हुआ, तो ही मोनेटाइजेशन ऑन हुआ और फर्स्ट सैलरी इतना जल्दी आ गई। हाँ इमोशनल हो जाती हूँ, कैसे आप जब हम तभी उस टाइम पे सोचते थे 100 हुए थे तब खुश हुए थे, 500 हुए थे तो हमने सेलिब्रेशन किया था, 1000 हुए थे तो हमने सेलिब्रेशन किया था। अब मैंने सोच के रखा है 2 लाख होंगे तो हम सब सेलिब्रेशन करेंगे हमारे इंडियन यूट्यूबर रुचि का, और जब उस पे 10,000 हो जाएंगे ना नए वाले चैनल पे, तब मैं सोचूं गिव अवे रखूं, और सच में ये बहुत बड़ा गिव अवे होगा, छोटा नहीं होगा। इसमें कम से कम मैं कुछ गिफ्ट्स भेजेंगे। हाँ इसमें कम से कम मैं 10 से 15 लोगों को गिफ्ट्स भेजने वाली हूँ, 10-15 पीपल को। तो और इसके अलावा भी हम कुछ रखेंगे, मतलब गिव अवे वहां चलते ही रहेंगे, मैं सोच रही हूँ थोड़े थोड़े टाइम पे वहां करती ही रहूंगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही वो चैनल ग्रो हुआ है। तो मैं आपको बस यही इन्फॉर्म करना चाहती थी कि जब वो सैलरी फर्स्ट सैलरी आई तो मुझे इतनी खुशी हुई, उस खुशी में हमने वो भंडारा भी सोचा कि चलो लगे हाथों ये अच्छा काम भी कर दे, जो कि सैलरी नहीं आती तो भी हम करने वाले थे, पर एक होता है ना मोटिव मिल जाता है इंसान को कि हाँ भाई फर्स्ट सैलरी आई है तो उस पैसे में से करें। तो उस चैनल की पहली कमाई आ चुकी है, और कितनी आई है वो मैं वीडियो बहुत जल्दी बना के दूसरे चैनल पे डालूंगी। जिससे दुखी हूं, वो चैनल पे व्यूज गाइस 9-10 हजार जाते हैं, सब्सक्राइबर सिर्फ 5 हजार। क्यों? हाँ तो आएंगे, नहीं करते आप? कर लेंगे सब लोग। तुम वीडियोस बनाओ कुछ इंटरेस्टिंग, तुमने स्टिकर बनाए थे अभी, वो उसका स्टिकर मेकिंग करो, और भी तुम्हें बहुत कुछ आता है मंडाला मेकिंग, जब टाइम हो, अभी तुम्हारा 12th है, पढ़ो अपना करियर बनाओ जब टाइम मिले। क्या हो गया, करियर के नाम पे खांसी आ गई मैं पानी पी रही थी। चलिए अब मैं जा रही हूँ सीरीज वॉच करने, और ये भी मेरे साथ, हम सब साथ में। पता है जब से मैं मतलब बीमार हुई थी ना, पीछे बहुत हो गई थी, मतलब देखने में आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था, मैं आपको सच्ची बोलूँ ना, दिल की बात जो मैं विवेक से भी कह चुकी हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा था कि मेरी जिंदगी अब और है भी कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन मार्क लगने लगा था। इनफैक्ट ये चीज़ मैंने मेरी मम्मी को भी पूछी थी, तो मम्मी ने मुझे डांट दिया था, और उस दिन से मम्मी बड़ी परेशान हो गई थी और विवेक भी परेशान हो गए थे, क्योंकि मुझे सच में ऐसा लगने लगा था ना विवेक, मैंने आपको बोला भी था। और हम ना तो तब से ना मैंने काफी चेंजेस लाया है मेरे अंदर। मैं पहले फैमिली के साथ बैठ के टीवी नहीं देखती थी, बहुत कम देखती थी, अभी मैंने सारी चीजों को बढ़ाया है, क्योंकि जितना जरूरी पैसा कमाना है उतना जरूरी जिंदगी जीना भी है। क्रिमिनल जस्टिस 1, 2, 3 देखना बहुत सही है, क्रिमिनल जस्टिस। और आज हम 4th वाला हमारा वो एपिसोड में आ रहा है ना, क्रिमिनल जस्टिस योद्धा, जिनके पास हॉटस्टार है आप जरूर से देखना, आपको क्रिमिनल जस्टिस देख के ना मजा आए तो बात है। और G5 पे अभय काम कर रही है, ये आज अपनी अलमारी ठीक कर रही है, इसकी अलमारी इतनी गंदी हो रही थी गाइस, इसकी अलमारी खोलो तो कपड़े यूं गिरते हैं मुंह के ऊपर, वैसे मेरी भी ऐसी हो रही है अभी मेरी हो रही है, अब 2-3 दिन बाद मम्मी की ठीक करेंगे। चलिए गाइस, बाय 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 बाय। तो गाइज यहाँ पे मैं आ गई थी सीरीज देखने, और विवेक को हो गया था बड़ा कंफ्यूजन, एक्चुअली वो क्रिमिनल जस्टिस नहीं थी, वो कोई और सीरीज इन्होंने देख ली थी जो अभी लॉन्च हुई है, मतलब रिलीज हुई है, तो फिर मैंने नहीं देखी और मैं उठ के चली गई तैयार होने के लिए, बिकॉज मुझे करना था एक साड़ी का शूट, जो कि ऑलरेडी वीडियो कल आ चुका है, आई थिंक आप लोगों ने देख भी लिया होगा, अमेजन साड़ी हॉल था फॉर करवा चौथ एंड दिवाली, और जी हाँ गाइज कल करवा चौथ है, तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मेरी मेहंदी वाली आने वाली है घर पर लगाने के लिए, तो बस मैंने सोचा जल्दी जल्दी वॉइस ओवर करके व्लॉग तो डाल देती हूँ। तो
अब आपको बहुत जल्द, कल शायद मैं एनिवर्सरी का व्लॉग यहाँ पे डाल दूंगी, और जो पुराने व्लॉग मेरे बाकी रह गए हैं, अष्टमी नवमी कैसे मनाई थी वो सब मैं डालूंगी मेरे नए वाले चैनल पे। कैसी लगी ये साड़ी, है ना खूबसूरत रेड कलर की, एकदम परफेक्ट फॉर फेस्टिवल्स, चाहे वो करवा चौथ हो या फिर वो हो क्या बोलते हैं दिवाली या कोई भी फेस्टिवल, धनतेरस, क्योंकि रेड कलर तो शुभ कलर होता है और ये जो है फेस्टिवल्स में बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने आज यही पहनी हुई है। कैसी लग रही है, मैंने एक्चुअली एक वीडियो शूट किया है और कुछ रील्स बनाए हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है। ये ना सिल्क और कॉटन मिक्स है, मुझे ऐसा लगा, हाँ सिल्क और कॉटन मिक्स है, मुझे बहुत सुंदर लगी। फिलहाल ब्लाउज इसका बहुत सुंदर है, ऐसा है ब्लाउज इसका, जैसा पल्ला है ना ऐसा ब्लाउज है, पर मैंने इसको अभी तो फिलहाल अपने पुराने ब्लाउज के साथ वेयर किया है। देखो कितनी सुंदर लगी, और आजकल इसका बहुत फैशन है साड़ी में पहनने का, तो अगर आपने वो वीडियो देख ही लिया होगा मेरा अमेजन का, चेकआउट जरूर कर लेना वो वीडियो अगर नहीं करा है तो, बहुत ही सुंदर साड़ीज है। दिवाली अगर करवा चौथ जा चुका होगा ये वीडियो आएगा तो, दिवाली वगैरह के लिए आप ले सकते हो, बहुत ही सुंदर साड़ी है। काफी सारे शूट थे, हाँ 7:45 का टाइम हो रहा है। रिशाद अपनी अलमारी साफ कर रही है, दिवाली की सफाई हमने थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दी हुई है। विवेक बाहर बैठ के अपना टीवी देख रहे हैं, क्योंकि मुझे शूट था तो फिर ऑब्वियसली उनको लगा चलो मैं अपना काम कर लूं। तो फेस्टिवल्स बहुत नजदीक है गाइस, आपकी भी सब तैयारियां चल रही होंगी, मेरी भी सब तैयारियां चल रही हैं। और आज देखो मैंने चूड़ा पहना हुआ है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, ये इस हाथ में नहीं आ रहा था, इसमें आ गया। आई थिंक ये हाथ मेरा मोटा है क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडर हूं, तो नहीं आया ये, इसमें आ गया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो भाभी आरती कर रही है, आज भाभी हमारे साथ घर पे थी तो हमने कहा भाभी साथ में आरती करो, आज वो शाम के टाइम भी आई हुई हैं, मैं बताऊंगी आपको क्यों आई हैं। और ये हमारी शाम की आरती चल रही है, ये आई थिंक सप्तमी का दिन है, जी हाँ सप्तमी का दिन है, और भाभी ने भी अपने हाथ से आरती की थी माता जी की। तो अभी मैं आपको कैमरा पे मिलती हूँ क्योंकि मेरा शूट अधूरा है, अभी मुझे साड़ी का शूट पूरा करना है। गाइस तो हमारा डिनर हो गया है, अभी शूट करते करते मुझे 3 से 4 घंटे हो गए हैं, क्योंकि आज मैंने बहुत दिनों के बाद बहुत सारे रील्स बनाए हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन अभी भी मुझे स्टॉप नहीं होना है क्योंकि अभी भी मेरे कुछ काम बाकी हैं। जब मैं आज हिम्मत करके तैयार हुई हूँ तो फिर लगता है चलो ये भी कर लो वो भी कर लो। साड़ी बहुत अच्छी है, कॉटन की है, और वीडियो में आप देख ही लोगे ये साड़ी वो कितनी सुंदर लग रही है, प्योर कॉटन है ये, प्योर कॉटन। और मैंने तो उसको बेल्ट के साथ पहना है वैसे, लेकिन आप चाहो तो बेल्ट के बिना भी पहन सकते हो, ये बेल्ट के साथ भी अच्छी लग रही है, और वैसे कॉटन साड़ी में तो बेल्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो भी अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, मुझे विवेक ने बुलाया था एक्चुअली, आज भाभी आई थी अभी काम करने के लिए, उनको कल कहीं जाना है, जब भी कभी उन्हें ऐसे जाना होता है ना तो वो एक दिन पहले रात को सारा काम करके जाती है और फिर नेक्स्ट डे वो छुट्टी कर देती है, तो कल भाभी छुट्टी में शायद रहने वाली है, बोल रही थी शायद आऊंगी शायद नहीं, तो इसलिए दोपहर में आ गए। और ये साड़ी सिर्फ 300 रुपये की है गाइस, ऑब्वियसली कॉटन है तो 300 की है तो चलेगा, अच्छी बहुत लग रही है। अपन एक साड़ी और बाकी है, उसके बाद एक शूट और भी करना है मुझे, और फिर शायद मैं नीचे जाऊंगी, नीचे थोड़ा गेट टुगेदर जैसा भी रखा है तो शायद वहाँ भी जाना है। जब कभी ऐसा शूट होता है ना तो ब्लॉगिंग तो बस ऐसे ही बीच बीच में थोड़ी थोड़ी हो जाती है। आरती की थी आज भाभी थी आरती के टाइम पे, तो आरती की थी साथ में, चलो आपको आराम से मिलती हूँ। तो दिखाती हूँ आपको, एक बच्चा बहुत सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, ये नीचे पार्टी में जा रहा है ये, और इसने नया वाला हाँ वही मतलब, और इसने नया वाला वो पहना है जो हमने इसके लिए अभी कुछ दिन पहले लिया था, मैंने आपको ये वही था जिसमें कैमरा के पीछे से मैं बोल रही थी मैं जब पहनूंगी तभी दिखाऊंगी, मिंत्रा से लिया है क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे से रेड ज्वेलरी है, और ये इसने खुद से कंबाइन किया है, यानी इसका फैशन सेंस अच्छा हो रहा है मेरे बाबू का। ये वो है गाइस जो आपने बहुत सारी रील्स में देखा होगा मम्मी के, वो ब्लू फ्रॉक पे वो मम्मी ने पहना था, ये वो है, ये मैंने कुर्ती पे कंबाइन किया बिकॉज मैं संस्कारी कपड़े पहनती हूँ, पूरा मत लगा ना मैंने ऐसे जोक बोला है। आज मैं भी नीचे जा रही हूँ, ये अभी जा रही है ना थोड़ी देर के बाद मेरा शूट कम्प्लीट करके मैं भी, और मम्मी और अभी रील्स पहन के आने वाली है जिनके लिए मम्मी ने मुझे मना किया पहनने के लिए, अब मम्मी वो पहन के नहीं आएगी ना तो मम्मी गई काम से, अभी मैं दूसरी साड़ी चेंज करूंगी ना उसके साथ अगर जाएंगे तो मैं पहनाऊंगी। मुझे जीन पहन बहुत पसंद है, लाइक आई सेड बिफोर आई लव यू टू।
अभी अभी के हम लोग ना रेडी हो रहे थे तो अभी ने बस शर्ट पहन ली और उसके फ्रेंड्स आके बोलते हैं अभी को बोला आंटी ये कुर्ता पहने फिर कुर्ता चेंज करके इनका ना गरबा शूट करने आज वो ऑरेंज वाला पहना है कल हम उसे बोलेंगे सिल्क वाला पहनने मेरा पूरा आउटफिट देखेगा इस कितना प्यारा लग रहा है ये नीचे वेलीज पहनूंगी मैं बहुत प्यारी लग रही है और एक और फैशन सेंस अगर आप यहाँ पे पूरा हैवी रखते हो ना तो आप हाथ में कुछ मत पहना करो ज्यादा तो कुछ कुछ नहीं लगता जैसे कि मैंने देखो मंगलसूत्र डाला है तो फिर हाथ हैवी रखे हैं एंड गाइज यहाँ पे मैं साड़ी पे साड़ी बदल रही थी और आप लगा लो लोगों को लगता है ना कि इंसान जो है व्लॉगर्स तो घर पे बैठ के फ्री में कमाते हैं देखो साड़ी कैसी लग रही है सुंदर है ना जी ऐसा बिल्कुल नहीं है देखो अभी शूट को करने में मैंने आज ये दोपहर बाद से शुरू करा था रात तक चल रहा है ये जब तक बच्चे गरबा खेलने जा रहे हैं और इतनी थकान लग जाती है जब साड़ी का शूट होता है ना बहुत थक जाती हूँ मैं अगर आप लोगों को इस साड़ी बेल्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो ये साड़ी बेल्ट का इन्फो मैंने कल के अमेज़न साड़ी हॉल में आपके साथ शेयर करा है लिंक भी शेयर करा है आप वहाँ से परचेज कर सकते हो तो जब भी मैं कभी ऐसे साड़ी वगैरह पहनती हूँ प्रिशा ऑलवेज हेल्प मी मेरा पिन विन लगा के देती है सारे काम करके देती है शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट और ये साड़ी सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये मैंने रखी है मतलब मैं पहनूंगी किसी ओकेज़न पे वापस नहीं की है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये और यहाँ पे अभी अपने फ्रेंड्स के साथ सेम कुर्ता आके चेंज किया पहले कुछ और पहन के गया था फिर नीचे से आया और चेंज किया और ये है गुजरात का गरबा गाइस देखिए इस बार मैं दिखाने में लेट हो गई क्षमा कर दीजिएगा मैं सच में ठीक नहीं थी गाइस बस इसीलिए पहली बार लाइफ में मेरे ऐसे लेट लेट व्लॉग जा रहे हैं मैं सच में ठीक नहीं थी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी खुद को टाइम देने की जो मैंने दिया और उसके बाद से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैंने ब्रेक नहीं लिया यूट्यूब से पर बाकी मैं ब्रेक भी ले सकती थी तो ये गुजरात का गरबा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में लाइक कर देना